पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शानदार किस्म के बॉलर मुहम्मद आमिर की शानदार किस्म की कारकर्दगी देखने को मिल रही है। जहां पर टेस्ट काउंटी क्रिकेट खेली जा रही है, वहीं पर मुहम्मद आमिर की शानदार कारकर्दगी भी देखने को मिल रही है। मुहम्मद आमिर के जितने भी फैंस हैं वो इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और प्यारा सा कॉमेंट तो आमिर के लिए आप लोगों ने जरूर से लिखना है। कल जब मैंने मुहम्मद आमिर पे वीडियो बनाई तो अक्सर लोग यही फरमा रहे थे कि भाई मुहम्मद आमिर गद्दार है, मुहम्मद आमिर ने गद्दारी की, अब टेस्ट काउंटी क्रिकेट तो खेलने की है लेकिन पाकिस्तान के लिए वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। अब भैया देखो आपकी मर्जी, अब आप लोगों ने जो ही कॉमेंट्स करने, मैं इस बारे में आपको क्या बता सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, आप लोग जो कह रहे हैं उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता ना यार, आप तो मेरे लिए काफी ज्यादा मोहतरम हो। अब मैं आपको ये तो नहीं कह सकता ना कि आप बिल्कुल गलत कह रहे हो, लेकिन यार थोड़ा सा ना कमी कीजिए, इतना ज्यादा तनकीद अच्छी नहीं होती। मुहम्मद आमिर की शानदार कारकर्दगी देखने को मिल रही है जहाँ पर टेस्ट काउंटी क्रिकेट में, जहाँ पर मुहम्मद आमिर ने 3 खिलाड़ी को ठिकाने लगाया है। चूंकि ये मैच खेला जा रहा है कैंट वर्सेज एसिक्स, अभी तक कैंट की टीम ने पहली इनिंग्स में 125 रन बना लिए हैं और पहले दिन का इख्तिताम हो चुका है, 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। मुहम्मद आमिर ने 3 खिलाड़ी को आउट किया और आउट जबरदस्त किस्म के तरीके से किया। मुहम्मद आमिर की शानदार बाउंसर्स देखने को मिली, मुहम्मद आमिर की शानदार बॉलिंग देखने को मिली, मुहम्मद आमिर ने 3 बैट्समैनों को बोल्ड किया। यार एक छोटी सी अर्ज है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ घंटे की अलामत को इसलिए क्लिक कीजिएगा यार क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं जाता। 2-3 दिन से इश्यू चल रहा था, मैंने यूट्यूब से कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने कहा कि ये मसला आपका हल हो चुका है, और ऐसा ही मुझे अच्छा देखने को मिला। कल काफ़ी अच्छे यानी कि लोगों के पास नोटिफिकेशन गए थे, तो इस वजह से आपसे छोटी सी अर्ज कर रहा हूँ, जिन्होंने अभी तक नोटिफिकेशन इनेबल नहीं किया वो जल्दी से इनेबल कर लें ताकि आपको मुकम्मल अपडेट मिलती रहेगी। जी तो जनाब ज़्यादा टाइम की बर्बादी हर किसी नहीं करते, आपको बताते हैं कि पहला मैच जो कि कैंट वर्सेस एसिक्स के दरमियान खेला जा रहा है टेस्ट का, और कैंट की टीम ने 125 रन बना लिए, 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, पहले दिन का इख्तिताम हो चुका है। मोहम्मद आमिर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और आउट भी बोल्ड किया, मतलब कि विकेट उड़ा डाली उनकी। पहला शिकार बने जैक क्रैवली जो कि 5 रन बना सके, 13 गेंदों के सामने किया, 1 चौका लगाने में कामयाब हुए, उनको आउट किया मोहम्मद आमिर ने, बोल्ड किया मोहम्मद आमिर ने। उनके बाद दूसरा शिकार बने बेल ड्रोमेंट, 55 रन बना सके, 126 गेंदों का सामना किया, जब काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार थी जनाब एसिक्स की टीम क्योंकि विकेट्स नहीं मिल रही थी। बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी रॉबिनसन जो कि विकेट कीपर है उनके दरमियान, लेकिन मोहम्मद आमिर ने इस विकेट को उड़ाया और इस पार्टनरशिप को खत्म किया। बेल ड्रोमेंट 55 रन बना सके, इनको बोल्ड किया मोहम्मद आमिर ने। उनके बाद दूसरा, उनका तीसरा शिकार जो बने वो भी रॉबिनसन थे जो कि काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रखे थे, विकेट कीपर हैं, 35 रन बना सके, 77 गेंदों का सामना किया, इनको भी बोल्ड किया मोहम्मद आमिर ने, इन्होंने सिर्फ 3 चौके लगाए। अगर हम पाकिस्तानी फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की बॉलिंग की बात करते हैं तो मोहम्मद आमिर ने 17 ओवर कराए, अब जरा रन से चेक कीजिएगा, 17 ओवर में सिर्फ 30 रन दिए। जी हाँ बिल्कुल सही सुन रखे हैं, 17 ओवर में 30 रन दिए, बहुत जबरदस्त किस्म का इकॉनमी रेट रहा मोहम्मद आमिर का। 4 ओवर मीडियम कराए, 3 खिलाड़ी को बोल्ड भी किया। तो बस भैया यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी, अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, शेयर करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फटाक से जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यूजर नेम आपके सामने क्या है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी वीडियो, मजीद अपडेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।